राहुल, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कर रहे हैं SDR में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन एंड की मिश्रण। दोस्तों, इसमें हमने जो एक भाग कंप्लीट कर लिया और एक भाग के अंदर हमने जो 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज है हमारा भाग दूसरा, क्वेश्चन नंबर होगा 16 है। दोस्तों, दूसरा भाग शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई। इसका जो टाइप है वो क्या है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक मिश्र धातु में तावा, जस्ता तथा निकेल, तावा, जस्ता तथा निकेल तीनों चीज़ों का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 5:3:2। तो लिख देता हूँ, तावा को मैंने टी लिख दिया, जस्ता को जे लिख दिया, निकेल को एन लिख दिया, याद रख लो। ठीक है, तावा, जस्ता, निकेल इन तीनों का रेशो दे रखा 5:3:2, ये रेशो दे रखा है यहाँ पर। ठीक, अब आगे इसने बोला, तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकिल और ज़्यादा डालना होगा। तो मैंने एक चीज़ बताई थी पहले भाग में, अगर आपने पहला भाग देखा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा, मैंने बताया था अगर 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, कितने भी दे रखे हैं, परिवर्तन कैसे में होता है, जिस चीज़ को मिलाया जाता है, जिस चीज़ को मिलाया जाए या फिर बोले बढ़ाया जाए घटाया जाए, सिर्फ उस चीज़ में परिवर्तन होगा, शेष वाले चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बताया निकल कितना और मिलाना चाहिए या डालना चाहिए जो भी है, तो निकल में परिवर्तन होगा और जो शेष बची तावा और जस्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले उतना ही बाद में। तो तावा और जस्ता देखना, पहले 5:3 था, बाद में 5:3 है, निकल पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अब यहाँ पर देखना, ये कह रहा 100 किलोग्राम मिश्र धातु कितने किलोग्राम निकल और ज़्यादा डालना होगा। तो बताना 100 किलोग्राम जो वैल्यू किसके, इसकी है, इसकी 100 किलोग्राम है जो तुम्हारा पुराना वाला जो मिश्रण है, और पुराना वाला मिश्र धातु कितने, 5:3:8, 8:2:10, इस 10 की वैल्यू दे रखी है 100 kg। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, इस 10 की वैल्यू कितनी, 100 की, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 10 का भाग दे देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा 10 kg, कितना 1 की वैल्यू निकली 10। हाँ, इसने यही पूछा कि निकल कितना और डालें, निकल पहले 2 था, अब हो गया 3, तो कितना डालना पड़ेगा, 1, और 1 की वैल्यू कितनी निकली 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से देखना क्वेश्चन नंबर 17, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल, क्या क्या दे रखा है, एल्कोहल है और जल है, लिख लेते हैं भाई दोनों को, एल्कोहल को ए लिख दिया और जल को लिख दिया वाटर W। ठीक है, और कितना रेशो, 4:3 है भाई, 4:3। क्वेश्चन देखना, इसमें बोला यदि उसी मिश्रण 5 लीटर जल और मिला दिया, क्या मिला रहा है, जल मिला रहा है, यानी कि एल्कोहल में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा भाई, जल में होगा, यानी कि पानी में होगा। यदि उस मिश्रण 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात होता था 4:5, यानी कि जो नया रेशियो बनता है वो बन जाता 4:5, पहले था 4:3, अब बन गया 4:5। ये जो नया रेशियो जो बना वो किसकी वजह से बना, 5 लीटर जल डालने की वजह से। तो देखना, पहले एल्कोहल 4, बाद में 4, तो यहाँ पर कोई छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है, दोनों कैसे हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखना, पहले पानी 3 था, हो गया 5, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, ये 5 लीटर जल और मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, यहाँ जल बढ़ा 2, क्वेश्चन के अंदर बढ़ा 5, यानी कि दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, 2 की वैल्यू कितनी 5, तो 1 की वैल्यू कितनी 5/2 लीटर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा इसने, इसने पूछा तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी। अच्छा, एक चीज बताओ, चाहे मिश्रण नया है या पुराना है, एल्कोहल में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, परिवर्तन किस में हुआ, पानी हुआ, तो चाहे यहाँ से निकाले, एल्कोहल की मात्रा दोनों जगह से क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। तो एल्कोहल निकाल दो भाई, एल्कोहल पहले भी 4 था, बाद में भी 4, कोई परिवर्तन नहीं, कहीं भी वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एल्कोहल कितना, 4, नया मिश्रण है, इसमें पूछा एल्कोहल की कितनी मात्रा, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 की वैल्यू निकली है, यानी कि 5/2। सॉल्व कर दो, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 को 5 में करें कितना, 10 लीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना 18, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा 4:1, 4:1 है, किस किस का, एल्कोहल और पानी, सॉरी अम्ल है, सॉरी एसिड है ना, अम्ल, यानी कि एसिड और वाटर, कितना है, 4:1 है, 4:1, 25 लीटर मिश्रण है, उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, क्या मिला है, पानी मिला है, यानी कि जो तुम्हारा अम्ल है, जो एसिड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, पानी में हो रहा है। ठीक है,
उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तदनुसार अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। तो मुझे बताना ये 4:1 किसका दे रखा है, अम्ल और पानी का, कितने लीटर में, 25 लीटर का जो मिश्रण है, कितने का, 25 लीटर का मिश्रण। तो मैं तुमसे यहाँ पर पूछता हूँ कि बताना इस 25 लीटर में अम्ल कितना होगा, पानी कितना होगा, अम्ल कितना होगा, पानी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखना डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे निकाल। एक तो तरीका तुम्हारा यही है कि 4 और 1 5, 5 की वैल्यू बन जाएगी 25। चलो इसी से बता, दोनों तरीके बता देता हूँ। इस 5 की वैल्यू कितनी बनेगी, 25। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू निकाल लो, 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर। इस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, यानी कि उस 25 लीटर में 20 लीटर तुम्हारा अम्ल था और 5 लीटर क्या है, पानी है। अब इसे 3 लीटर पानी और मिला दिया, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पर 3 लीटर और मिला दो, जोड़ दो, पहले 5 था 3 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 8 लीटर। अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, ये 20 का 20 ही रहेगा। इन दोनों का अनुपात पूछा नए का, तो 20 और 8 का अनुपात निकाल दो भाई, कितना होगा, 4 5 20 और 4 2 8, यानी कि हो जाएगा 5:2, 5:2 यानी कि आपका होगा पहला यहाँ, ठीक है, कौन सा, पहला ऑप्शन। यहाँ एक चीज़ बता रहा था मैं, जैसे ये जो 20 लीटर और 5 लीटर जो निकाला है, इस तरीके से ना करके एक तरीका और समझना जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, यहीं बता देता हूँ, आगे भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ आ ही गया होगा। यहाँ देखना क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ देखना 4 और 1 5, मैं तुमसे पूछूँ बताना इसमें जो मिश्रण है तुम्हारा, यही 4:1, यहाँ टोटल मिश्रण कितना, रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से मिश्रण कितना, 4 अम्ल 1 पानी, यानी कि मिश्रण है 5। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस मिश्रण के अंदर पानी का भाग कितना है और अम्ल का भाग कितना है, तो कैसे निकालेंगे देखना। अगर ये पूछो अम्ल मिश्रण में अम्ल का भाग कितना, इस मिश्रण 5 5 में कितना भाग है, 4, तो इसे बोलेंगे यानी 4/5, यानी कि जो टोटल मिश्रण होगा उसे ऊपर लिखेंगे और जिसका पूछेगा उसे क्या लिखेंगे, सॉरी, जो मिश्रण होगा उसे नीचे लिखेंगे और जिसका पूछेगा वो क्या लिखेंगे, ऊपर। इसी तरीके से पूछूं पानी कितना है इसमें, पानी कितना है, तो पानी कितना होगा, 1/5 भाग, क्या बोलेंगे, 1/5 भाग, और ये 4/5 भाग। अब क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वह निकाल दो, टोटल कितना था, 25 लीटर था, तो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 25 का कर दो, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल आएगा, 5 एकम 25 यानी कि 5 चौके 20 लीटर, और ये 5 एकम 25 यानी कि 5 लीटर क्या निकला, पानी, यही निकाल लेते हैं 20 और 5, ठीक है। देखो मैं ये नहीं, आप कह रहे हो कि वो वाला तरीका सही था, ये तुम्हें काम आने वाला है, 4/5 और 1/5 आए क्वेश्चन में काम आएगा, तो इससे आपको भाई जानकारी आपको इस चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। आप अभी वाला क्वेश्चन उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या निकालना सिखाया, अम्ल और पानी का अलग-अलग मात्रा किस तरीके से और निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर आपका है 19वां, ये क्वेश्चन हालांकि हम जो पहले भाग पढ़ चुके हैं इस तरीके के, पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने बोला 55 किलोग्राम के एक नए मिश्रण में दूध और जल है, दूध और जल, तो देखना कितना कितना रेशो दे रखा है, दूध और जल कितना, 7:4, 7:4। अभी कहता है इसमें 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, 7:6 क्या मिलाया गया भाई, जल मिलाया गया, यानी कि दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन किस में होगा, जल में, तो देखने जल में परिवर्तन हो रहा है, क्या दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ बताना 55 किलोग्राम जो दे रखा है वो किसकी वैल्यू है, जो पुराना मिश्रण है वो कितना, किस किस का, दूध और जल, 7 और 4 11, इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो, कितना 11 का भाग 55 में देंगे कितना निकलेगा, 5 kg, क्या मिलाना, जल, देखना कितना मिलेगा, पहले 4 था अब 6, तो कितना मिला दिया, 2 मिला दिया, इस 2 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू जो निकली है मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 kg, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 20, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, अम्ल और जल कितना है, 60 लीटर है दोनों का, लिख लेते हैं अम्ल प्लस जल कितना है दोनों, 60 लीटर।
जिसमें 80% अम्ल है, जिसमें 80% अम्ल है, तो बताना अगर 80% अम्ल है तो जल कितना परसेंट होगा? 20%। 100 में से माइनस कर देंगे, यहाँ से रेशो बनाएंगे 20 चौके 80 और 20 एकम 1, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पहले रेशो दे रखा होता था, अब इसने क्या दे दे, प्रतिशत दे दे, तो कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। प्रतिशत दे रखा तो उसका क्या बना लिया मैंने, रेशो बना दिया, क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। यानी कि उसका कहने का मतलब है उस 60 लीटर में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो कितना, 4:1। ठीक है, आगे बोला उसने उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। कितना, 60% वाला अम्ल, यानी अगर 60% अम्ल है तो जल कितना होना चाहिए, 40%। यहाँ से अगर रेशियो बनाएंगे तो 20 या 60 और 20 दूने 40, यानी कि 4:1 और यह आया 3:2। बताना क्वेश्चन के अंदर जो बोला है क्या मिलाया है, इसमें क्या मिला है भाई, उसमें कितना जल मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, जल मिला रहा है, जल मिला रहा है, यानी कि अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्या मिला रहा है, जल मिला रहा है, यानी जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, जल में होगा। तो देखना अम्ल पहले 4 था, बाद में 3 हो गया, यहाँ तो भी परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो क्या करने पड़ेंगे, आपस में क्या करने पड़ेंगे, दोनों को दोनों बराबर हो, बराबर कैसे होंगे, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का नीचे, यानी यहाँ कर दे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है, ये 4 है, यहाँ से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ही 4 करना पड़ेगा। अब देखना इन दोनों का रेशियो क्या ले सकता हूँ, 4 3 12 और 3 1 3, ये कितना, 12 और 4 2 8, यानी अब देखो भाई अम्ल कितना, पहले 12 है, बाद में 12 है, यहाँ जो जल था वो 3 था, बाद में कितना हुआ, 8, कितना बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया। लेकिन ये 60 लीटर किस किस का दे रखा था, अम्ल और जल दोनों का, और अम्ल और जल कितना, 12 और 3 15, इस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 लीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 का भाग दे देंगे 60 में, कितना आ जाएगा, 4 लीटर। क्या पूछा इसने, कितना जल और मिलाना है, तो बताना जल पहले 3 था, बाद में 8, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 5 मिलाना पड़ेगा, इस 5 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू जो निकली है मल्टीप्लाई कर दो 4 का, 4 5 20 लीटर, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन। तो इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी कर सकते हैं भाई, तो इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 21 22 और 23। ठीक है, ये आप जो है तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मुझे भाई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 21 23, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पहले भाग में हम इस तरीके के जो क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना 24वां क्या है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखना क्या पूछा है इसने, एल्कोहल का प्रतिशत पूछा भाई। ठीक है, किसका, एल्कोहल का। तो बताना अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल कितना, पानी कितना, तो बताना एल्कोहल, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर जो था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, 18वां, वहाँ मैंने आपको अलग अलग भाग निकालना बताया था। तो बताना यहाँ पर किस किस का, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल कितना है, 4:1 और पानी कितना, 4:1, सॉरी 1:4, उल्टा लिख दिया, 1:4 है। यहाँ से पूछ रहा हूँ मैं इस 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल कितना है और पानी कितना है, तो कैसे निकालेंगे, एल्कोहल, चलो एल्कोहल ए लिख देता हूँ, और पानी, इस मिश्रण बताना एल्कोहल कितना, 1/5 भाग है, कितना, 1/5, और ये कितना है, क्योंकि 5 कहाँ से है, टोटल मिश्रण 1 और 4 कितना, 5, पानी कितना है, 4/5, पानी कितना भाई, 4/5, मिश्रण कितना, 15 लीटर का, दोनों क्या कर देंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 का 5 से 15 और 5 से 15, यानी एक हो जाएगा 3 लीटर और ये हो जाएगा 3 चौके 12 लीटर। उस 15 लीटर में जो एल्कोहल है वो 3 लीटर है और पानी कितना है, 12 लीटर। इसमें बताया है कि यदि मिश्रण 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी पहले कितना है, 12, अब कितना हो जाएगा, 15, अब कितना हो जाएगा, 15। लेकिन उसने जो प्रतिशत पूछा वो एल्कोहल का पूछा है, क्या एल्कोहल बढ़ी, एल्कोहल तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, पानी मिला दिया इसने, कितना होगा, 15 लीटर, और जो एल्कोहल उतना का उतना ही जो पहले था, यानी 3 लीटर ही, लेकिन मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, पहले था 15, अब 3 और बढ़ा दिया, यानी कि टोटल मिश्रण हो जाएगा 18, यानी कि 15 पानी और 3 एल्कोहल, यही पूछ रहा है
ये जो एल्कोहल है जो नया वाला मिश्रण उसका कितना प्रतिशत, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और किसका पूछा है, नए मिश्रण टोटल कितना 18 और इंटू 100 क्यों प्रतिशत है भाई, 3 6 18 और जब 6 का भाग 100 में देंगे तो आएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब देखना अगला टाइप क्या है भाई, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन से समझते हैं क्या है। दो पात्र ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 का अनुपात अम्ल और जल है। क्या क्या दो पात्र हैं ए और बी, और इन दोनों में अम्ल और जल का रेशो दे रखा अलग अलग, अम्ल और जल, ठीक है, दोनों पात्रों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, अम्ल और जल, कितना कितना है 4:3 और दूसरा पात्र भी उसमें दे रखा 5:3। अब आगे क्या कहता है देखना, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी, इन दोनों को मिलाना है भाई, और यहाँ से पात्र सी में पूछता है वो मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात हो जाता है 3:2, कितना होगा 3:2 के अनुपात में हो, तो बताना इसने क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाए, तो कैसे निकालते हैं भाई, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं यहाँ पर, और ये जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है, मात्रा का अनुपात निकलता है, तो यहाँ तो हम एलिगेशन मेथड लगा नहीं सकते भाई, 4:3 5:3 3:2 यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो अब कैसे करेंगे इसे, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था जो अभी क्वेश्चन नंबर शायद था आपका 18वां क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि किसी को मिश्रण में से किसी का भाग पूछा है तो कैसे निकालते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ इस ए वाले बर्तन में 4:3 क्या है, अम्ल और जल है भाई, ध्यान से समझने से, ठीक है, इसमें पूछता हूँ बताना इस मिश्रण का अम्ल कितना भाग है, इस मिश्रण में अम्ल कितना भाग है या मिश्रण का अम्ल कितना भाग है, तो देखना कैसे, मिश्रण कितना 4:3 7, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ 4:3 7, यानी कि इसमें जो अम्ल है वो कितना 4/7 भाग, ठीक है, इसी तरीके से बे पूछता हूँ तो 5:3 8, यानी कि इसमें अम्ल है 5/8 भाग, यानी कि दोनों का जो मिश्रण यानी सी जो बर्तन है उसमें कितना 3:2 5 मिश्रण है और अम्ल कितना है 3/5 भाग। इसी तरीके से अगर पूछता बताना जल कितना है, तो 3/7 3/8 और 2/5, ठीक है, अब आप कह रहे हो भाई यहाँ पे अम्ल ही क्यों लिया है, आप जल भी ले सकते हैं, अम्ल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आपने अम्ल लिया तो यहाँ भी अम्ल लेना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, अम्ल लेना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे जल का भाग लिया तो यहाँ भी जल का भाग लेना पड़ेगा और यहाँ भी जल का भाग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक जगह अम्ल ले लें दूसरी जगह जल ले लें, ठीक है, तो इसको भाई ध्यान से समझो, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो अब देखना अब कैसे करें, अब यहाँ पे हमें क्या लगा देना, एलिगेशन मेथड लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में एलिगेशन मेथड कैसे लगाएं, तो देखना इस फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, नीचे कितना 7 8 और 5, ये मुझे ख़त्म करना है, ये कैसे ख़त्म होगा, इन तीनों को क्या ले लो भाई एलसीएम ले लो, और जो भी एलसीएम आए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड, लेकिन देखना एक तरीका और मुझे ख़त्म करना है, तो देखना ये 7 है और कितने बचे नीचे 5 बचे और 8 बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन नीचे दे रखा 8 और 5 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इस 40 का 4 में कर दो, 40 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 160, अब ये ख़त्म करना है 5/8, तो इस 8 को दबा दो, शेष बचे 7 और 5, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 35, और 35 का इसमें कर दो उस 5 में कितना आ जाएगा 175, अब करना 3/5 खत्म, इस 5 को दबा दो और 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 8 का करेंगे 56, और 56 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 168, समझ आ रहे हो, जो ख़त्म करना है उसका नीचे वाला दबा दो और जो शेष बचे उन दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, अब यहाँ एलिगेशन मेथड लगा दो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बड़ी में से छोटी माइनस करो 168 में से 60 माइनस करें कितना बचेगा 8, इस 175 बड़ी है 168 छोटी है, तो 175 में से 168 माइनस करो कितना आएगा 7, यानी कि जो आंसर आएगा कितना आएगा 7:8, यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको दिक्कत कुछ हो रही है तो अगले वाले क्वेश्चन और आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा, तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसे, ठीक है, ये चीज़ अब नहीं लिखूंगा भाई,
क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना 26, ठीक है, कौन से की बात कर रहे हैं, 26 की बात कर रहे हैं भाई। क्या दे रखा है देखो भाई, इसने बोला एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 है, तो 2:5 में किस किस का अनुपात दे रखा है, इसे अम्ल और जल है इसमें, तो बताना पहले वाले बर्तन में 2:5 है तो क्या लिख दूँ, 2/7, ठीक है, समझ आ रहा है, 7 कहाँ से, 2 और 5 दोनों को जोड़ा 7 आ गया। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 7/10, 7:3 है तो इसे क्या लिख दूँ, 7/10, ठीक है, अम्ल और अम्ल ले रहे हैं। अब दोनों जो नए, दोनों को मिला के नया मिश्रण है अम्ल और जल कितना, 2:3, तो वो कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है, आगे को समझ में कहाँ से आया भाई, अब लगा दो एलिगेशन मेथड, ठीक है, अब मुझे ये ख़त्म करना, 2/7 कैसे करेंगे, इसे दबा देंगे, शेष बचे 5 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 का 10 में गुणा करेंगे 50, 50 का 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 100। इसी तरीके से मुझे ये ख़त्म करना, 7/10, तो इसे दबा देंगे, ये 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 35, और 35 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में, और 35 का 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 7×21 = 24, यानी कि 245। इसी तरीके से अब ये ख़त्म करना है, तो इस 5 को दबा देंगे, 7 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 का 2 में करेंगे कितना, 140। अब घटा दो भाई, एलिगेशन मेथड लगा दो, 140 में 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40, इस 245 में 140 माइनस कर दो, तो 5 में 0 जाएंगे 5, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं भाई, 5 में 0 गए 5, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी 105 और 40, अगर ये कट सकते हैं तो काट दो, कितने कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 21 और 5 से कट जाएगा 8, यानी कि आएगा आपका 21:8, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3, तो देखना अब आप यहाँ पर जो किसी का ले सकते हो, चाहे दूध का लो या पानी का लो, एक का लेते हैं, है ना, तीनों जगह कैसे लेंगे, पर सेम लेंगे, तो यहाँ भी क्या करते हैं भाई, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप पानी वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इस 4:3 जो मिश्रण है उसमें दूध का भाग कितना, दूध कितना होगा भाई, 4/7, ये चीज़ समझ आ रहा है, क्योंकि 4:3 है, मिश्रण कितना होगा, 7, पूछ रहा हूँ दूध, तो 4/7। इसी तरीके से 2:3 है दूसरा वाला, इस 2:3 में दूध कितना होगा, 2/5। अब आगे देखना, इसने बोला है तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया कि नया मिश्रण आधा दूध और आधा पानी, नया जो मिश्रण है उसमें आधा दूध और क्या होना चाहिए, आधा ही क्या होना चाहिए भाई, आधा दूध और आधा क्या होना चाहिए, पानी, आधा दूध और आधा पानी। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी दूध और पानी की जो मात्रा है वो क्या है, बराबर है, यानी अगर एक दूध है तो एक ही क्या हुआ, पानी, अगर दो दूध है तो दो ही क्या हुआ, पानी, आधा दूध और आधा पानी, यानी कि दोनों की मात्रा कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो यानी इसका कहने का मतलब है 1:1। इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो ने बताया नहीं कि जो मिश्रण का अनुपात है वो कितना है, उसने इनडायरेक्टली बताया कि दूध और पानी का अनुपात है 1:1, क्योंकि उसने क्या बताया, बराबर बताया, तो बताना है हमें दूध का लिया था 4/7 या 2/5, यहाँ जो मिश्रण है उसमें दूध कितना हुआ, 1 है, लेकिन भाग कितना, टोटल मिश्रण कितना, 2, तो यानी होगा 1/2। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे भाई, एलिगेशन मेथड लगा दो, कैसे लगाएंगे, क्या ख़त्म करना है हमें, क्या ख़त्म करना है भाई, ये फ्रैक्शन ख़त्म करने, तो कैसे करेंगे, जब ये ख़त्म करना है तो इस 7 को दबा देंगे, शेष होता 5 और 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना, 10 10 का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 40। इसी तरीके से आप देखना, इसे ख़त्म करना है तो इसे दबा देंगे, 7 और 2 14, 14 को 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 28। फिर करेंगे इसे ख़त्म करना, इसे दबा देंगे, 7 और 5 35, 35 का 1 में गुणा करेंगे कितना, 35, ठीक है, लगा दो भाई, 40 में से 35 जाएंगे 5 और 35 में से 8 जाएंगे कितना, 7, यानी कि 7:5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, 27 का A। क्वेश्चन नंबर 28, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 है, तो यहाँ भी ऐसे करना भाई जिस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो दिया है बाद में कह रहा है उस नए मिश्रण में दूध कितना है, 69 सही 3/13%, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है,
ये जो दूध दिया है 69 सही और 3/13%। इससे परेशानी हो, इसे भिन्न के रूप में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 69 सही है ना, हाँ 3/13, तो ये आएगा 900/13, 900/13%। और जब प्रतिशत को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे इसकी जगह पर, 1/100, और 100 से कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9/13। इस 9/13 का मतलब क्या है, 13 आपका मिश्रण है, इस 13 में से 9 क्या है, दूध। यानी कि यहाँ से अगर पूछे इस जो मिश्रण है वहाँ पे 9:4 होगा तुम्हारा दूध और पानी, समझ आया। ये 9/13 इसने यहाँ से बदल के हमने किया, 13 क्या है मिश्रण, 9 क्या है दूध। यानी कि 13 में से 9 दूध है तो 4 क्या बचेगा, पानी। यहाँ से रेशो भी निकाल सकते हैं, 9:4। तो इस क्वेश्चन के अंदर 9:4 ना देकर इस तरीके से इसने दे दिया, तो इससे परेशान नहीं होना है। जो भी प्रतिशत दे रखा है उसे क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। तो आप किसी से कर सकते हो, चाहे दूध वाले से करो या पानी वाले से, किसी से कर सकते हैं। तो देखना ए वाले में दूध कितना है, 8, दूध और पानी का अनुपात 8:5, तो दूध कितना होगा 8/13, क्योंकि मिश्रण 13 है। दूसरा 5:2, तो वहाँ दूध कितना हो जाएगा 5/7, और यहाँ दूध कितना है 9/13। अगर मुझे करना होता क्वेश्चन पानी वाले से, तो पानी कितना हो जाएगा 4/13, और दूसरे वाले में कितना होगा, जो ए वाला है 5/13, और 28 में जो दूसरा है 5:2, उसमें कितना होगा 2/7। अब देखो भाई कैसे करेंगे, अब देखना है यहाँ पे 8/13, 5/7, 9/13, एलिगेशन तो लगाना ही लगाना है, लेकिन मैं क्या करना है यहाँ पे, आप ये देख लेना, समझ लेना, इसे नोट कर लेना, ठीक है। मिटा रहा हूँ भी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब मुझे क्या करना है, ये 13 ख़त्म करना है, 7 ख़त्म करना है, 13 करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये 13 है और ये भी 13 है, यानी दोनों जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो अब ये दोनों जगह सेम है, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ जो अकेला है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसे दबा देंगे तो फिर इसे भी दबाएंगे, ठीक है। कितना बचा, 7, और 7 का 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब ये 7 दबाएंगे तो सिर्फ 13 दो हैं एक जैसे हैं, तो इसमें सिर्फ एक लेंगे, इस 13 को 5 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 65। अब जब इस 13 को दबाएंगे, इस वाले 13 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 13 दबाए तो 13 वाला नहीं लेंगे, कितना बचेगा 7, और 7 का किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 7 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 63। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एलसीएम लेके सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल आएगा, ठीक है। 65 में से 63 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 63 में से 56 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, यानी कि 2:7, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ आ गया होगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं, यहाँ ना कि ये भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब चलो दूसरे वाले से लेते हैं, ठीक है, दूध ना लेके पानी वाले से। तो बताना 29वें क्वेश्चन में किस किस का दूध और पानी का है 4:5 और 5:1। तो बताना 4:5 है, ठीक है, और ये कितना 5:1। तो बताना ये दूध है और ये पानी, इसी तरीके से ये दूध है और ये क्या है पानी। तो अब कौन से कर रहा हूँ, पानी वाले से कर रहा हूँ, दूध वाले से नहीं कर रहा। तो अब तीनों जगह जो लेंगे वो क्या लेंगे, पानी ही लेंगे। तो बताना यहाँ पानी कितना होगा 5/9, क्योंकि मिश्रण कितना 4 और 5 9, यहाँ कितना होगा 1/5 और ये कितना 6। अब जो मिश्रण है वो कितना है 5:4, मिश्रण कितना 5:4, तो पानी कितना यहाँ पर 4, और टोटल कितना 4 और 5 9, यानी कि 4/9, ठीक है। जिससे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई, इस 9, 9 और 6 ही क्या करने, ख़त्म करने। कैसे करेंगे, तो इस 9 को दबा लेंगे, ठीक है, और जब दो, मैंने भी बताया था जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उनमें से एक लेना होता है, दोनों नहीं लेने होते, इसे दबाएंगे तो इसे लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, और इस 6 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यानी कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। इसे दबाएंगे तो इन दोनों 9 में से एक 9 लेंगे, और 9 1 कम 9, ऐसा नहीं है कि दोनों 9 ले लेंगे आंसर नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसे निकालना है तो इसे दबा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा 6 बचेगा, 9 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों कैसे एक जैसे हैं, यानी क्या बचा है हमारा 6 बचा, और 6 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 24, एलिगेशन मेथड लगा दो। 30 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 24 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 13,
13 बचेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 15, कितने 15, और यहाँ कट जाए तो काट दो, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 9 6, यानी कि 5:2, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखो भाई, अब मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 30 31 32, और जो 32वां जो क्वेश्चन है आपका वो किसकी तरह है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है 27 की तरह, ठीक है। तो इसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 32 और 34 दोनों सेम है, तो आप 30 से लेकर के 34 तक आपको जो है खुद करने हैं क्वेश्चन, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखना आप 35, इसने बोला 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। कितने का? 21 का। दोनों का मिश्रण है वो कितना है? 21 लीटर का घोल है। कितना कितना शुद्धता है भाई? 90% और कितना है? 97। अब कहता है इन दोनों घोलों को मिला करके, इन दोनों घोलों को जो मिला करके जो तीसरा बना है वो कितना 94% शुद्धता वाला है, ठीक है। तो उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, यानी पहला घोल और ये दूसरा घोल और इन दोनों घोलों का मिश्रण कौन सा, ये। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एलिगेशन लगा दें, तो एलिगेशन लगा दो भाई, 94 में से 90 माइनस करें कितना बचेगा 4, और 97 में से 94 माइनस करें कितना बचेगा 3। और मैंने क्या बताया था, ये क्या निकल के आता है, मात्रा का रेशियो यानी उसकी क्वांटिटी। यहाँ से बताना पहले घोल की मात्रा कितनी है 3, दूसरे कितनी 4, दोनों घोल कितने हैं भाई 4 और 3 7, दोनों घोल कितने हैं 7, यानी जो मिश्रण है पहले घोल का और दूसरे का दोनों का मिश्रण कितना है 7 है, ठीक है। अगर पूछू कि पहले वाला जो घोल है वो कितना है 3/7 और दूसरा कितना है 4/7, ठीक है, लेकिन दोनों का जो मिश्रण है उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बताना दूसरा घोल कितना है भाई, दूसरा घोल कितना है 4 भाग है किसमें से, टोटल मिश्रण कितना 7, यानी कि 4/7 भाग है दूसरा वाला। पहला वाला कितना है 3/7, दूसरा वाला कितना है 4/7, और दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है 21 लीटर। तो क्या कर देंगे, 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 21 और 3 4 12 लीटर। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो परेशान नहीं होना, देखो ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं। दूसरा तरीका तो मैंने बताया, ये तो समझ आया होगा, ये समझ होगा तो 12 लीटर कैसे आ रहा है, तो इससे परेशान ना हो। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरा देखो तरीका क्या है इसका, देखना भाई कैसे। 7 लीटर मिश्रण है दोनों घोल का, और क्वेश्चन के अंदर बोला दोनों घोल का जो मिश्रण है वो कितना 21, तो दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 7 का 21 देंगे कितना आ गया 3। इसमें पूछा दूसरा घोल कितना है, दूसरा घोल कितना 4, पहला होल कितना 3, जो पूछा उसी में 1 की वैल्यू जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा दूसरा 4 है, इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना 12 लीटर। तो ये भी तरीका है, अगर पहला पूछता तो 3 का कैसे गुणा कर दे 3 में कितना आया था 9। तो इस तरीके से भाई किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम जो है 35 क्वेश्चन ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, 35 क्वेश्चन, और उसके बाद तीसरे भाग में से जो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, या आपको कहीं दिक्कत हो तो उस दिक्कत को बताया करो कि हाँ यहाँ पर हमको जो दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों से भाई बोलो कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट भाग यानी तीसरे में, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 36, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।